नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं प्लांट कैसे लगाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये हमारे तुंगा के पास हिम्मतपुरा गांव है, वहाँ पे श्रीमान राम बाबू जी और राजू जी के फार्म पे प्लांटेशन हो रहा है। ये देखिए, ये वर काम चल रहा है और प्लांट कैसे लगाते हैं ये आपको डिटेल से दिखाते हैं। यहाँ पे अभी बारिश नहीं हुई, बारिश का मौसम है, तो उससे पहले ही हम प्लांटेशन करवा रहे हैं ताकि बारिश में प्रॉपर प्लांट सेट हो जाए। पहले गड्ढों में पानी दे दिया गया था, अब इनमें अच्छे से गुडाई करके प्लांट लगा रहे हैं। ये देखिए प्लांट कैसे लगाते हैं, आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो राम बाबू जी, आप प्लांट लगाइए। ये देखिए, ये राम बाबू जी प्लांट लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपको ग्रीन एप्पल वेयर, कश्मीरी एप्पल वेयर, बोल सुंदरी, सभी प्लांटों को इसी प्रकार से लगाना है और फिर इनमें पानी डालना है आपको। अभी बारिश नहीं हुई, पर बारिश से पहले ही प्लांटेशन कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है जो ये दे सकते हैं। जो ये देखिए आप, अगर आप भी न्यू प्लांटेशन कर रहे हैं तो इसी प्रकार करिए। बाकी अगर आप आसपास से हो, तुंगा के आसपास से हो, तो इनके फार्म पे यहाँ आके लाइव देख सकते हो जो ये नए प्लांट लगे हैं। ये प्लांटेशन हमारे सहयोग से ही करवाया जा रहा है, इनके प्लांट भी ही हम ही अवेलेबल करवा रहे हैं और ये सारा काम हमारे मद्देनज़र ही हो रहा है। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे करीब 250 प्लांट लगेंगे जो बिल्कुल प्रॉपर जगह को तैयार किया हुआ है। अब इनमें प्लांटेशन होने के बाद बस पानी चलाना बाकी है, बाकी सारा सिस्टम तैयार है। ये देखिए प्लांटेशन हो रहा है। यहाँ पे सभी युवा किसान हैं जो इंटरेस्टेड हैं और मेहनत कर रहे हैं। आपको प्लांट लगाने की विधि आज हमारे द्वारा बताई गई है, तो आप सब भी जब भी प्लांटेशन करें इसी प्रकार से प्लांटेशन करें, क्योंकि ये गड्ढा लगभग 4 फीट का खोदा गया था पहले और फिर इसमें जिप्सम, सुपर फास्फेट, रीजेंट और वर्मी कंपोस्ट ये सब खादें मिला के गड्ढे को बूर दिया गया था आज से 15 दिन पहले। फिर इनके ऊपर पानी छोड़ा गया था ताकि जो गड्ढा बैठा है वो पूरी तरह सेट हो गया। अब इसमें पूरी तरह नमी बन गई है गड्ढे में, तो उसके बाद हम प्लांटेशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये फार्म के ओनर हैं, इन्हीं के देखरेख में सारा काम हो रहा है। तो सभी किसान अगर नया प्लांटेशन कर रहे हैं तो कम से कम बेर का तो इसी प्रकार से करिए ताकि प्लांट की ग्रोथ व प्लांटेशन अच्छे तरीके से हो। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान।